बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब, आज यहाँ यूके में ईद उल अज़हा का दिन है, तो सबसे पहले तो जो भी लोग आज ईद मना रहे हैं उनको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। और पाकिस्तान में तो इंशाल्लाह कल ईद होगी, पाकिस्तान के देखने वालों को भी एडवांस ईद मुबारक। तो अभी थोड़ी ही देर में हम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए एक ग्राउंड है यहाँ पर, वहाँ पर जाएँगे। और मौसम थोड़ा ख़राब ही लग रहा है, आप देखिए कि बादल हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो क्योंकि ग्राउंड में अभी ईद की नमाज़ अदा की जानी है, तो उम्मीद है कि बारिश तेज़ नहीं होगी, वरना मसला हो जाएगा। तो साथ रहेगा इंशाल्लाह, मैं आपके साथ ईद की जो पूरी एक्टिविटीज़ हैं वो शेयर करूँगा। और आगे बढ़ने से पहले, जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाड़ी हमने यहाँ पर पार्क कर ली है, और थोड़े ही फासले पर अभी वो ग्राउंड है जहाँ पर ईद की नमाज अदा की जाएगी। तो ये वो जगह है जहाँ पर ईद की नमाज अदा की जाएगी। पिछली जानेब खवातीन की जगह है, और सामने फिर ये मर्द हजरात के लिए जगह है। तो अभी तक तो मौसम ठीक ही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है। और फिर इस जानब जो है खाने पीने का इंतज़ाम किया जा रहा है, रिफ्रेशमेंट्स का। और ये देखिए बच्चों के लिए भी झूले वगैरह हैं। बच्चे सारे यहाँ पर जमा हैं, और ये भी पूरी तरह तैयार हैं कि हम ईद की फेस्टिविटीज़ को एंजॉय करें। तो सफ़े भी बिछनी शुरू हो गई हैं, जाए नमाज हम अपना साथ लेकर आए हैं, और यहाँ पर अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह ईद की नमाज़ अदा करेंगे। लोग अभी भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, और ये देखिए सामने जो है रिफ्रेशमेंट्स का बंदोबस्त हो रहा है। यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, और उनके साथ ही हम कहीं पर अपने जायनमाज़ बिछा लेंगे। तो सब लोगों ने सफ़ेद सीधी कर ली हैं, तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी ही देर में नमाज शुरू हो जाएगी। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पूरा ये ग्राउंड जो है ये भरा हुआ है। Yes, the day of sacrifice, its arrival
should not be celebrated merely as an annual feast or festival, but rather we should take some time to reflect and ponder some lessons to help us be a better person for the days to come. Abdullah. ईद की नमाज़ अभी ख़त्म हो गई है और तमाम लोग जो हैं वो एक दूसरे को ईद मिल रहे हैं। तो यहाँ पर रिफ्रेशमेंट तकसीम हो रही है और ये देखिए यहाँ पर कितनी लंबी लाइन है, दो तीन लाइनें हैं बल्कि ज़्यादा लाइनें हैं। और फिर इस तरफ जो है बच्चों के लिए वो देखिए आप जंपिंग कासल हैं, झूले वगैरह हैं, बच्चों के लिए फ्री आइसक्रीम का इंतज़ाम भी है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा माहौल है। तो कुछ लोग ये देखिए खाना लेके आ रहे हैं, इंशाल्लाह अभी थोड़ी ही देर में हमारी बारी भी आने वाली है। तो खाना मैंने ले लिया है, ये देखिए इसमें नान है, थोड़े चने हैं, हलवा है और साथ में फिर मैंने चाय ली है। तो लोग यहाँ पर भी खाना लेकर बैठ के खा रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक आइसक्रीम, ये गाड़ी खड़ी है और ये फ्री आइसक्रीम दे रहे हैं। इस जगह पर भी काफ़ी बड़ी लंबी लाइन है। माशाल्लाह बहुत ही यहाँ पर रौनक है। और इस जगह पर भी काफ़ी रश है बच्चों का, क्योंकि यहाँ पर जंपिंग कासल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। तो फैमिलीज़ बच्चे यहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में जमा है। तो एक मेले का सा यहाँ पर समा है और अच्छी बात यह है कि मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश भी नहीं हुई, वरना कुछ पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी थी। पिछले हफ्ते तो ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईद के दिन मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो कुछ चीज़ें तो यहाँ पर फ्री हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। ये देखिए परफ्यूम्स का स्टॉल है, कलोनों के स्टॉल्स हैं। तो ये वाले जो चीज़ें ये फ्री नहीं हैं, इनके लिए आपको पे करना पड़ता है। और यहाँ पर कप केक्स का स्टॉल है। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।